हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं प्रिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन भुना मसाला। चिकन भुना मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 kg चिकन। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, भुने हुए जीरे को मैंने पीस लिया है, यहाँ पर मैंने 1/2 lemon लिया है और पुदीना और धनिया के पत्ते। तो हम सभी चीज़ें अभी इसमें मिक्स कर लेते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लेमन, और धनिया और पुदीना के पत्ते। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन में मैंने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहे हैं, तब तक हम अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, इसे बारीक काट लिया है। 4 से 5 हरे मिर्च लिए हैं, इसे मैंने बीच से कट कर लिया है। ये 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इसे मैंने पीस लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, सूखे लाल मिर्च, स्टार एनिस, दालचीनी, जीरा और कुछ काले मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच बेसन, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये सूखे मसालों को मैंने भून लिया है। ये मैंने 1 कटोरी में मसालों को मिक्स कर लिया है। मसाले में मैंने बेसन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये 5 चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। मसालों में मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके इसका पेस्ट बना लिया है। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें सारे खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले को मैंने पहले भून लिया है। अब हम इसमें प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। प्याज को हम थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। प्याज यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। जिंजर गार्लिक को हम 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। ये जिंजर गार्लिक भी हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें जो मसाले मिक्स किए थे उसे डालेंगे। मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को। अब साथ में हम हल्दी डालेंगे और ये टमाटर का पेस्ट मिक्स कर लेंगे। अब साथ में हम नमक डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम मसालों को तब तक भुनेंगे जब तक मसाले में से ऑयल बिल्कुल अलग ना हो जाए। ये देखिए, मसाले हमारे बहुत अच्छे तरीके से भुन गए हैं। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन भी हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। इसे मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम 10 मिनट तक इसे ऐसे ही भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए, चिकन भी हमारे अच्छे से पक गए हैं।
चिकन भी हमारा अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। अब चिकन को हम ढक के पका लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन भुना मसाला बनके बिल्कुल रेडी है। लास्ट में हम थोड़े से हरे धनिया के पत्ते डालेंगे और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।